बेटा इसलिए छोड़ के गया था तेरे को कि तू मेरे से घर का काम कराएगी। कौन है बोला माय नेम इज मैडी बैंडी के प्रैंक में आपका स्वागत है गाइस। मैं आ गया हूँ एक और हेल्पिंग वीडियो के साथ और आज हमें आयरन आंटी ने मैसेज किया है इंस्टा पे। और मतलब इनकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनकी बहू ने इनका जीना हराम करा हुआ, अपने यार दोस्तों को बुलाती है और बहुत ज़्यादा दुखी करा हुआ है, मतलब मारपीट करती है। अभी सारी चीज़ बताएंगी हमें कि इनके साथ क्या क्या टॉर्चर हो रहा है। बेटा मेरा बेटा बाहर रहता है, जॉब के लिए बाहर गया हुआ है और मेरी बहू इतनी अय्याश किस्म की है कि मैं बताने में भी शर्म आती है। अच्छा। लेकिन क्या करूं, वो मेरे को इतना टॉर्चर करती है, अपने अय्याश दोस्त बुलाती है, दो दो चार चार बजे तक बैठी रहती है, दारूएं पीती है उनके साथ। अच्छा। और ड्रिंक करती है, वहीं पे बीड़ी सिगरेट फेंकती है, सब करती है, इतना झगड़ा करती है, मुझे मारती है पीटती है उन लोगों के सामने। अच्छा, उन लोगों के सामने बर्तन झाड़ू पोछा कराती है, घर का काम कराती है। बेटा तो तुमने अपने लड़के से बात करी फिर उसके बारे में? बेटा क्या करूं, मेरा बेटा भी तो मेरा नहीं है ना, अब इसका ही बन गया। वो मेरी कोई बात नहीं सुनता, मतलब वो भी कुछ मेरे को उल्टा सीधा बोलता है कि तुम परेशान करती हो। वो बोलता है कि माँ चुपचाप अगर तेरे को दो रोटी दे रही है तो कार कर लेना घर का काम। अच्छा, मतलब इतना बुरा हाल करा हुआ है। तो गाइस देख रहे हो इनकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है यार। अभी मैं क्या करूँगा, अभी तुमने उसे कितनी देर में बुलाया? आधे घंटे में कह रही है। अच्छा, आधा घंटे में कह रही है, तो ठीक है गाइस। अभी जो है मैं कैमरे के पीछे जाऊंगा और मुझे देखना है, मैं जो हूँ देखूंगा कि वो आके तुम्हारे साथ क्या करती है, जिससे मैं तुम्हें वीडियो का प्रूफ दे सकूं और उसकी अकल ठिकाने लगा सकूं, ठीक है ना। तो अभी मैं कैमरे के पीछे जाऊंगा, तुम ये माइक पकड़ो, ठीक है ना, ये रखो, उसका आने का वेट करते हैं। तू यहाँ क्या कर रही है, क्यों बुलाया मेरे को यहाँ पे? अरे बेटा मेरे बेटे से मेरी बात करा, तूने तो मुझे बहुत ही दुखी करके रखा है, बहुत परेशान हूँ मैं तेरे से। वो तेरे से बात करना नहीं चाहता और तू चाहेगी मैं तभी भी नहीं बात करवाने वाली। तो मुझसे झाड़ू पोछा बर्तन कराएगी, अपने अय्याश दोस्तों को बुला के वहाँ पे तमाशा करती है घर में, पड़ोस में मेरी क्या इज्जत रही? करा रखी है, ठीक है, मैंने तेरी क्या बेइज्जती कराई? तू तो खुद ही बदतमीज है, इतनी गंदी है, इतना गंदा खाना बनाया, उन लोगों ने खाया भी नहीं, मेरी बेइज्जती और करके चले गए। तीनों ने खाना नहीं खाया, मैं तो सारा दिन काम करती हूँ, मेरे से घर का काम कराती है। इतनी गंदी बहू मिली है भगवान, मुझे इतनी गंदी बहू मिली है, मेरी जीना आराम कर दिया तूने मेरा। तू यहाँ से घर से निकल, तुझे क्यों निकलूं, मेरा घर है, मैं क्यों निकलूं? नहीं निकलूंगी मैं, तू घर से निकले, मैं नहीं निकलूंगी कहीं पर, काम करूंगी तो रोटी भी नहीं देती है। खराब कर रखा तुझे, मैं अपने घर से निकाल दूंगी, को माफ कर दे, माफ कर दे, क्या माफ कर दे, माफ कर दे मेरे को, माफ कर दे, मैं सब कुछ तो घर में काम करती हूँ, सब कुछ तो करती हूँ, और क्या करूँ, क्या काम खराब कर दिया मैंने, ऐसा क्या काम खराब कर दिया? तू ये बता मेरे को, तूने मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती क्यों कराई, क्यों कराई ये बता। अरे मैंने कोई बेइज्जती नहीं कराई है, मेरे को माफ कर दे। इतना खाना ढंग का बनाया, खाना सारा सारा फेंक के गए, ठीक है, और मेरे को उल्टा सीधा बोल के गए कि तेरी कैसी वो है, ये वो कैसी बनाती तो है? मैंने क्या करा है बता, मैंने क्या करा है, मैं घर का काम करती हूँ, मैं कोई मैं नहीं जाऊँ, तेरे को मैं वृद्धा आश्रम छोड़ के आऊंगी, चल। अरे नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर में रहूंगी, मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब करती हूँ, मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब करती हूँ, मैं सब काम करती हूँ तेरे कहने पे, बता दूंगी मैं। बस तेरे यारों को मत बुला, घर को गंदा मत बना। अच्छी है, मैं यारों को बुला रही हूँ। हाँ मत बुला, मत बुला, मत बुला, दोस्त है तो क्या करूँ, मेरा बेटा नहीं, नहीं, मेरे को तेरे को अपने घर में रखना नहीं, मेरा बेटा नहीं रख लूं, मेरा बेटा इसलिए छोड़ के गया था तेरे को कि तू मेरे से घर का काम कराएगी। चल मानेगी नहीं ना, मत कर, चल मत कर मेरे साथ ऐसा, मत कर मेरे साथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, बस कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं अपने पति का घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू ऐसे करती है, ऐसे करती है, इतना तमाशा करती है, इतना झगड़ा करती है, मैं क्या घर का काम नहीं करती, मैं क्या घर का काम नहीं करती, तेरे दोस्त आते, खाना बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, माफ कर दे मेरे को, मत कर ऐसा सब कुछ घर में। तो तू भी तो कर सकती है ना, घर में तो तू भी रहती है, तू है ना घर में, तू करेगी काम। मेरा बेटा इसलिए छोड़ के गया था कि मेरे से झाड़ू पोछा बर्तन कराएगी, वो तो वैसे भी तुझे विश्वास नहीं करता, वो तो वैसे ही मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात बात मेरा गुलाम है वैसे ही वो, तो कोई बात नहीं है तो है, तो मैं क्या करूँ, मैं तो मेरा बुढ़ापा क्यों खराब कर रही है, मेरा बुढ़ापा मैं नहीं खराब कर रही, तूने खुद अपना बुढ़ापा खराब करा है, ठीक है ना, जो मैं तो तेरे कहने पे
सब कुछ करती हूँ बेटा, सब घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब काम करती हूँ, तब भी मेरे पे करती है दुखी करती है। छोड़ के आऊंगी क्योंकि तू मेरे किसी काम की नहीं रही अब, ठीक है। मैं घर का तो काम करती हूँ ना, सब कुछ तेरे कहने पे तो करती हूँ, सब लोग जानते हैं कि मैं घर का सब काम करती हूँ। क्या काम करती है? सब काम घर का करती नहीं हूँ मैं, क्या कहाँ जाऊँ मैं, मेरे को मत छोड़, मैं नहीं जा सकती कहीं पर भी, नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। बुढ़िया पहले तो ये बता कि तूने मेरे दोस्तों के सामने तू आती है, हैं तू बोलती है कि मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, मेरे दोस्त भी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो घर का काम करती हूँ। तेरे कहने पे मैं सब घर का काम करती हूँ, सब घर का काम करती हूँ मैं। नहीं तूने क्या काम करा है? घर का काम करती हूँ। तू मेरे को मारती है, तू इतना मारती है, मेरे दोस्त है उनके सामने तू पुरानी बातें करती रहती है, करती रहती है, दिमाग खराब कर रखा। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो कुछ छोड़ के आऊंगी। कुछ नहीं करा, मेरे को माफ कर दे, मैं कह रही हूँ मेरे को माफ कर दे, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरे को नहीं पता कुछ भी, कहाँ जाऊँ मैं, छोड़ के आऊंगी तेरे को मैं वहीं। वृद्धाश्रम क्या करूंगी, वहाँ पे भी तो काम ही करूंगी, यहाँ पे भी तो कर ही रही हूँ मैं काम, मेरे काम नहीं कर रही, तू मेरी बेइज्जती करा रही है, मेरी बेइज्जती करा रही है, ठीक है चल, मेरा दिमाग मत कर खराब, चल ये तो तेरे को यही मारूंगी मैं। मेरे को रोज ही मारती है, क्या रोज मारती है मेरे को, रोज के तो रोज ही पिटेगी, ठीक है, तो तू रोज के काम करेगी तो रोज ही पिटेगी तू। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या मेरे को इतना परेशान करती है, मेरे तेरे तेरे दोस्त आते हैं उनके सामने खाना बनाती हूँ, पी तू दारू ही पिएगी क्या, बहुओं के कोई किसी के घर की बहुएं दारू ही पीती हैं क्या, तब तू मुझे समझाएगी कि मैं मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है? अच्छा तो मैं सास का तो मेरा कोई नहीं है, कौन सी सास, कौन है, कौन है तू, मैं नहीं बोला मेरा बेटा नहीं रहता, मेरे को मारती रहती है दिन रात, काम कराती है दिन रात, मारती है मेरे को। तू कुछ भी ना करने की, मैं खड़ा हूँ उनके साथ, अरे मैं कोई भी हूँ तुझे बता दूंगा, एक रैपट में घुमा दूंगा तुझे मैं, समझ आई तुझे बात, ये भी मेरा बेटा ही है, समझ ले ये भी मेरा बेटा ही है, भगवान ने भेजा इसको, इलाज बंदूंगा बढ़िया करके, तूने तू है कौन, तू है कौन, तेरा जीना आराम करके रखा, दिन रात घर का काम करा, अच्छा तेरे घर का मामला है पार्क में चलेगा, तूने घर के मामले में जो है ना इनसे काम करवा रखा, अब यार दोस्तों को बुलाती है तो यहाँ पे इतना ड्रामा करवा रखा तूने, इनके घर में इनका जीना आराम कर रखा तूने, घर में इन्हें इज्जत बनाने निकालूंगी तुझे, बना देख लूंगी, ठीक है, तेरी थूथ जो है ना छेतूंगा, तेरे हस्बैंड की भी छेतूंगी, जो इसका इनका लड़का है जो तेरे पर उसमें बेटा, उससे बात नहीं करने देती, घर में इनके घर में जाके, तू मुझे मत बता कि कौन हूं मैं, ये भी बेटा ही है, भगवान ने बेटा भेजा है मेरा, कितना बड़ा, तू यहां से निकल, अभी रैपट कम लगेगा तेरे में, अभी तेरा जो है ना सारे रैपट जो इनके तूने बजाया ना, तेरा बुरा हाल, मैं अभी यहां पे पुलिस बुला के अभी बता रही हूं, कितना मारती है, कितना मारती है, तू पुलिस बुलाएगी इधर, वरना अभी तेरे में भी रैपट मारो ना तो अभी नाचती फिरेगी, तू इधर आ जाना, तू इधर आ जा, कैसे बदतमीजी से बोल रही है, माफी मांग ले, माफी मांग ले, इतनी गंदी है ना, इनकी लाइफ खराब कर रखी है इनका, क्या बोल कितना बुरा हाल करेगा, तू कुछ भी ना करने की इनका, समझ आई तुझे बात, तुझे वृद्धाश्रम छोड़ के आऊंगी, तुझे मैं अपने घर में नहीं रखूंगी, तू है कौन, पता चला कौन हूं, रैपट कैसा लगा, तेरा दिमाग ना सारे ठिकाने लगा दूंगा, तूने जो है इनकी लाइफ खराब, तू मार क्यों रहा है घर को, बुलवाऊं तुझे क्यों मार रहा हूं, तू घर के बर्तन कराती है, सब कुछ कराती है, तेरे कहने पे करती हूं, कुछ भी ना करने की, तू करेगी भी, तू कुछ भी ना कराने की इससे, समझ आई तुझे बात, तू कौन है, तू यहां से जाना, तू मैं कोई भी हूं तुझे बता दूंगा, मैं कौन हूं, तेरा दिमाग ना, तेरा दिमाग सारा सेंटर में ला दूंगा, बेटा है ये मेरा, ये भी बेटा है, कुछ भी है इसे तो बता दूंगी मैं बाद में, इसे तो बाद में, कुछ भी ना करने की, अभी तेरे में दो चार रैपट और मारूंगा, अभी तू ये लेटी लेटी फिर, समझ आई तुझे बात, मैं निकलूं यहां से, मैं मुझे निकालेगी तू, तेरे कहने पे मैं बर्तन मांजती हूँ, रोटी बनाती हूँ, सबको मुझे रोटी भी नहीं देती है, आज के बाद जो है ना ये सारे काम तू करेगी घर में, अभी तेरी थूथ सी छेदूंगा ना, बढ़िया करके कि मैं से काम करवा ले, बुलवाऊं तुझे मुझसे काम करवा ले, एक रैपट ऐसा मारूंगा ना तेरे में, मेरे पति का घर है और मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने की बातें करती है, समझ में आ रहा तेरी, इधर सुन, फिर रैपट मारूंगा, इधर इधर यहाँ
तुझे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। तू छोड़ेगी भी यार, कुछ भी ना करने की तू समझ आएगी। देख इधर देख, ये जो है ना सारी रिकॉर्ड हो रही है तेरी। क्या है ये? ये जो वीडियो है ना ये यूट्यूब और फेसबुक पे जाएगी। तेरा जो है ना ये जो चित्र है सारे तेरे, ये सारे खुल गए। तमीज से बोलेगी ये, अभी रेहपड़ मारूं तेरे मैं। इधर पागल ही हूँ मैं, समझ आई? तू तेरा जो है ना तेरे जैसा कोई इलाज हूँ मैं, समझ आई? तेरे जैसा कोई इलाज हूँ मैं। तू अभी भी बताएगी ये जो है ना वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पे जाएगी। तेरे जो है ना तेरा जो हस्बैंड बोलता है और ये जो तूने इनके लड़के को फंसा रखा ना, इनसे काम करवाती है और वो भी सपोर्ट नहीं करता है, उस लड़के के पास भी भेजूंगा। और तेरी जो है ना ये जितने भी कारनामे तू अपने यार दोस्तों के साथ उड़ाती है वहाँ पे, अच्छा सारे खत्म करवाऊंगा तेरी। आज ये तेरा जो है ना सारा मैटर क्लोज करूंगा, समझ आई? क्या खड़े को माफी मांगी? क्यों मांगू माफी मैं? चुप रह ले, माफी मांगेगी तू अभी? अरे एक रैपट में तेरा दिमाग सारा ठंडा कर दूंगा, समझ आई तुझे बात? माफी मांग, माफ कर दे। ऐसे तमीज में माफी मांग ले। ये वीडियो जो है ना तेरे घर वालों के और ये थाने में जाएगी, समझ आई तुझे बात? तेरा सारा ड्रामा क्या हुआ? अच्छा घर वालों को ना दिखाऊं तेरे जो ड्रामे? अभी तो कुछ भी नहीं है। ये जो तू अपने फ्रेंडों को बुलाती है और रात दिन दारू पीती है ना वहाँ पे बैठ कर सिगरेट। बेटा मैं तो घर का सब काम करती थी। माँ से काम करवाते क्या? माँ से काम करवा तू जो है तेरी, तू घर का काम करती हूँ सब कुछ। अकड़ के बात कर रही है। इधर माफी मांग, तमीज में माफी मांग, माफ कर दो मम्मी। क्या लगती है तेरे मम्मी? लगती है ना, तू माँ से काम करवाई ऐसे? नहीं करवाएगी तो तेरा जो है ना मुँह छेद दूंगा, समझ आई तुझे बात? नहीं तेरे जैसी नागिनों का ही मुँह छेदता हूँ मैं, समझ आई? रेहपट ही रेहपट बजाऊंगा तेरे में। अभी भी अकड़ में बोल रही है तू, ठीक से माफी मांग ले कि मम्मी अब से नहीं करूंगी। और अभी तेरे दिमाग ठिकाने नाने का, तेरे घर वालों को भी दिखाऊंगा, इस तेरे हस्बैंड को भी दिखाऊंगा, इनके लड़के को, मेरे घर वालों को भी दिखाओगे? फिर बोले जा रही है रेहपट में दूं तेरे में भी? नहीं माफी मांग रही, मेरे घर वालों को मत भेजो प्लीज। घर वालों को भी भेजूंगा, तेरे हस्बैंड को। बेटा जैसे तेरे घर वाले वैसे मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। मैंने तेरे को क्यों लाई थी घर पे? भेजे प्लीज प्लीज, मेरे बेटे से बात नहीं कराती? मेरे घर वालों को ना भेजो प्लीज। हाँ ये भी बेटा ही है, ये भी बेटा ही है, ये भी बेटा ही है। हाँ अभी तो तू देखती जा, तेरा अभी तेरा जो है ना ड्रामा अभी खत्म ना हुआ है, अभी तो तेरा खत्म करूंगा, समझ आई तुझे बात? मेरे घर वालों को मत ये जो है ना ये अकड़ जो है ना मुझे मत दिखाइए। अब तूने तो माफी मांग ली, फिर चिल्ला रही है, मुंह बंद कर ले वरना चांटे मार मार के ना तेरा बुरा हाल कर दूंगा। जितने तूने इन्हें पीटा ना, जितना इन्हें टॉर्चर करा, सारा दिमाग ठंडा कर दूंगा तेरा। चल इसे लेके जाओ यहाँ से, पकड़ के रखियो इसे, इधर आओ बैठो। तो गाइस देख रहे हो यार कितनी मतलब ऐसा है, इतनी बेहा है, इतने थप्पड़ खाने के बाद भी उसकी टोन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी जो है ना इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी। और बताओ इनके साथ अकेले रह के घर पे क्या हाल करती होगी वो? अभी मैं क्या करूँगा आंटी, तो मैं इसकी सारी वीडियो दूँगा और इसके घर वालों को दिखाना और जो है अपने पास रखना और अपने लड़के को दिखाना, वो जिसने तुम्हारे ऊपर मेन जो है ना तुम्हारा लड़का है, तुम्हारे को बर्बाद करने वाला का लड़का इस तरह से नालायक निकल जाए ना, जो अपनी बहू के कहने में चले और माँ का ध्यान ना रखे, वो सारी कमी लड़के की है। तो तुम अपने लड़के बेटा को वो तो इसके कहे पे ही चलता है, उसको सब पता है कैसी अब जो है ना, अब तक उसे तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं था। अब ये तुम्हारे हाथ में वीडियो दूंगा और अपने लड़के को दिखाना और इसके घर वालों को दिखाना, ठीक है ना? अगर ये फिर दोबारा ऐसी हरकत करके थाने में लेके जाना, और मुझे लगता है करेगी, ठीक है ना, जब तुम्हारा लड़का आ जाए उसको ये वीडियो दिखा के तब थाने में लेके जाना, ठीक है ना? और अगर तुम्हारा लड़का भी हेल्प ना करे ना तो उसके दिमाग में ठिकाने लगाऊंगा, तुम फिर दोबारा मेरे बेटा पास आना। तो मैंने आपसे हेल्प मांगी थी, इस चीज़ की टेंशन मत लो। अगर तुम्हारे ये फिर दोबारा करती है ना, तुम्हारा लड़का भी इसका साथ देता है ये देखने के बाद भी, तो तुम मेरे को फिर दोबारा वो करना। तो गाइस ये अभी वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ठीक है ना? और मेरा ऑफिशियल मेडी 01 करके इंस्टा आ रहा हुआ, उसे जाके